हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने साबूदाने और कच्चे आलू से एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप नाश्ते में और व्रत में भी खा सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कप साबूदाना ले लिया है, ये बारीक वाले साबूदाने हैं, आप मोटे वाले भी ले सकते हो। इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और 3-4 बार पानी से इसे अच्छे से धो लेंगे। साबूदाने में काफ़ी स्टार्च होता है, तो ये देखिए पानी बिल्कुल साफ हो गया है। अब इसे रात भर के लिए भिगो के रख देंगे और ये देखिए साबूदाने कितने बढ़िया तरीके से फूल गए हैं। यहाँ पे हमने 2 कच्चे आलू लिए हैं, इसे हमने अच्छे से धो लिया है। इसे बारीक काट लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे। 10 से 15 हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। आप व्रत में ले रहे हो इस नाश्ते को तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। 2 हरी मिर्ची को बारीक काट लिया है, इसे भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इन तीनों को पीस लेंगे। इन तीनों को हमने अच्छी तरीके से इसे पीस लिया है। अब इसी मिक्सी में हम साबूदाने को भी पीस लेंगे। आप चाहे तो साबूदाने को बिना भिगोए ही पाउडर की तरह पीस कर ऐसी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हो। सारे साबूदाने को हमने पीस लिया है, अब इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच हमने नमक डाला है। आप व्रत के लिए बना रहे हो तो सेंधा नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा इसका बैटर गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। बस इसी तरीके का गाढ़ा गोल हमें चाहिए। अब गैस पर हम नॉन स्टिक तवा रख देंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालकर इसको फैला देंगे। अब चम्मच से हम इस तरीके के छोटे छोटे से पूड़ियों की तरह गोल को फैला देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है और नीचे से थोड़ा सा ये पक जाए तो हम इसे पलट लेंगे। सभी को हम इस तरीके से पलट लेंगे और नीचे की तरफ से अच्छे से पकने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। साबूदाने बहुत ही स्टिकी होते हैं तो इन्हें अभी अलग ही रखना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अब पैन में हमने फिर से तेल डाल दिया है और चम्मच से हम पूड़ियों की तरह इसे फैला देंगे। तो ये गोल नहीं बन रहे हैं तो इस तरीके से हम छोटे चम्मच से गोल गोल इसका शेप दे देंगे और ये देखिए गोल बन चुके हैं। अब ये नीचे से सिकने के बाद इसको पलट लेंगे और दोनों तरफ से सुनहरा होने के बाद इसे एक प्लेट में रख देंगे। तो सारे गोल को हमने इसी तरीके से बना लिया है। आप इसे मालपुए भी कह सकते हो, तो ये मीठे वाले मालपुए नहीं है, और या पूड़ी भी कह सकते हो। तो ये सारे हमने बना के तैयार कर लिया है और ये देखिए हाथों से दबा के देख रहे हैं तो ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। आप इसे व्रत में या सुबह के नाश्ते में इसे ज़रूर खाइएगा। आप इसे दही के साथ या रायते के साथ ज़रूर खाइएगा। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।